थैंक यू, बहुत आला, बहुत आला। मेरे रुकने में रुका मत करो यार, थोड़ी देर तक करते रहा करो, ऐसा लगे कि मैं चाह रहा हूँ तुम लोग खामोश हो, मगर तुम लोग जज्बात आड़े आ रहे। अदिर आजाद, वेलकम टू असलम अनाई। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप लोगों को यह भी लगता है कि आप खूबसूरत हैं, तालियां बजाइए इस बात। आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई, इंडस्ट्री का एक खूबसूरत एडिशन है। क्या है जो ये नहीं कर सकते? फिल्में करते हैं तो बॉक्स ऑफिस लूट लेते हैं, ड्रामे करते हैं तो रेटिंग्स लूट लेते हैं, थिएटर कर चुके हैं, सिनेमाटोग्राफर हैं, डायरेक्टर हैं। आज पता करेंगे क्या है कि वो नहीं है। तो बेहतरीन शो के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेरे पास है आज उस्मान मुख्तार। वेलकम, आइए उस्मान भाई। बैठने से पहले, वेरी नाइस, बैठने से पहले शो की रिवायत सी है कि जो भी गेस्ट आता है एक शेर सुनाता है ऑडियंस को। जी सर। आपके पास कुछ है? डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। वेरी नाइस। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, आपका शो लाखों में एक। मैं इस, इतना क्रिएटिव कैसे हैं आप? सर बस कभी गरूर नहीं किया, लेकिन एक बार करके देखें आप उस्मान। हाँ जी। अच्छा उस्मान भाई, बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि कोई टैलेंटेड बंदा आए, जाना में बेहतरीन परफॉर्मेंस, पर्ची में उससे भी जबरदस्त परफॉर्मेंस। भाई एक बार ताली हो जाए अली रहमान के लिए। अभी अली ये देख के बहुत खुश होगा। अली देख के खुश होंगे, कहीं तो तारीफ हो रही है। अच्छा उस्मान भाई, बचपन का एक वाक्य है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। मरी के अंदर एक बोर्डिंग स्कूल है। बोर्डिंग स्कूल अक्सर अपने माँ बाप बच्चों को छोड़ते हैं, मगर जब आपके पेरेंट्स आपको बोर्डिंग स्कूल छोड़ने गए तो आपको पता ही नहीं था, आप समझा पिकनिक मनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। और अचानक वो छोड़ के बेटा हम अभी आते हैं करके चले गए। जी, ये क्या था ये वाक्य? मैं शरारती था बहुत बचपन में, मैं वालदा को तंग बहुत करता था। उन्होंने कहा कि बस हो गई अब। उन्होंने कहा कि चलो, उन्होंने ढूंढना शुरू किया, मुझे नहीं पता था। तो उनको बोर्डिंग स्कूल मिला, उन्होंने हमें बताया कि वो एक ट्रंक आया और उसके अंदर कपड़े डल रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ मेरे साइज के कपड़े क्यों जा रहे हैं सूटकेस में। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो वैसे ही जा रहे हैं मरी घूमने के लिए, ये वो। तो चले गए। उन्होंने कहा कि चलो आओ ये स्कूल देखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर हम लोग अंदर चले गए। डोम का उन्होंने राउंड कराया, वहाँ पे आईजी होती थी जो हर हाउस की अपनी होती थी। तो उन्होंने कहा कि ये देखें, ये कमरा है, ये वो। तो मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरे वालदा कब पीछे रह गई मेरे से। मैं आगे गया हूँ तो थोड़ी देर बाद वो कहती है कि और ये आपका बेड होगा। तो मैंने कहा क्या, मैं पीछे मुड़ा? हाँ, मैं पीछे मुड़ा तो वालदा गायब। अच्छा, कब तक रहे उस जगह पे? मैं उधर रहा 4 साल। लेकिन अब आपको एक चीज तो अच्छी हो गई कि अगर आप जेल खुदा ना खास्ता गए तो आप वहाँ एट होम फील करेंगे। सर अल्लाह ना करे। बिल्कुल। खैर उस्मान भाई, ऐसा सबसे पहले हम इन लोगों से बात करेंगे, आपके फैंस आए हैं, ये आपसे बड़े बड़े सवाल पूछना चाहते हैं, इनके सवाल लेते हैं और जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मलाइका। मलाइका क्या करती हैं? आई एम स्टूडेंट ऑफ बैचलर्स। किस चीज में कर रही हैं काम? डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, सवाल पूछेंगी। सर माशाल्लाह से आप बहुत ज्यादा चार्मिंग एंड क्यूट पर्सनालिटी हैं, बट सर व्हाई यू ऑलवेज प्रेफर नेगेटिव कैरेक्टर्स? इतनी खूबसूरती के बावजूद? नहीं, मैं प्रेफर नहीं करता। मैं एक्चुअली आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब मैं कमर्शियल साइट पे नहीं आया था, कमर्शियल फिल्म्स शुरू नहीं की थी, तो थिएटर करते थे, बहुत कॉमेडी वीडियोस बनाते थे यूट्यूब वगैरह के लिए। तो उस वक्त सारा वक्त मैं कॉमेडी करता रहता था, और उस वक्त मुझे जब एक ड्रामा मैंने किया अना, तो उसके लिए जब मेरा नाम लिया गया तो उन्होंने कहा नहीं, वो नहीं कर पाएगा। तो वो फिर उसके बाद आई थिंक अब वो लोगों को शायद वो जो हम कहाँ के सच्चे थे में बहुत नेगेटिव कैरेक्टर था, उसके बाद लोगों को लगा कि शायद ये यही करवाओ इससे। तो वो छाप लग जाती है। बिल्कुल, वो लग गया स्टेरियोटाइप। नहीं, मैं तो उसके बाद नहीं किया मैंने अभी तक कोई ऐसा कैरेक्टर, क्योंकि उसके बाद सिन्फ़ आन वाज इन नेगेटिव, अना में था इस तरह का और सबात में नहीं था। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अगला भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? कासिम खान। कासिम क्या करते हो? एंजॉय। वाह बेटा, अकेले कर लेते हो या कोई साथ भी होता है? बोला ना, लोग कंपनी में एंजॉय करते हैं, कुछ अकेले एंजॉय करते हैं। नहीं, साथ देने वाले बहुत हैं। जाहिर ही बात है, लग रहा है मुझे। कोई ये बताओ,
कि कमीज के सारे बटन नहीं है या कॉलर ऐसी खोल के रखें? स्टाइल है सर। स्टाइल है, बहुत अच्छा स्टाइल है बेटा, बहुत शुक्रिया। वेरी गुड। सवाल, सवाल ताबिश भाई मेरा आपसे है। करो। प्यारे हो गए हैं पहले से ज़्यादा? हाँ। तो क्या इसका रीज़न है? मैं तो आई तरह सिर्फ इन्जॉय नहीं करता रहता ना, मेहनत करता रहता हूँ मैं। पहले से ज़्यादा हॉट हो गया। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अमन गुल। अमन गुल, अमन क्या करती हैं आप? मैं डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। अरे वेरी नाइस। सवाल पूछेंगी? मेरा सवाल सर उस्मान से है कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री में अभी भी नेपोटिज्म एग्जिस्ट करती है? अभी भी? अभी भी नहीं, मुझे लगता है हर इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, यहाँ भी है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे कम है। लेकिन इसमें बुराई क्या है? अगर है, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई, देखिए मुझे लगता है कि अगर कोई हैं भी एक्टर्स जिनके पेरेंट्स पहले एक्टर्स रहे हैं, अगर वो अच्छे एक्टर हैं या अच्छे म्यूजिशियन हैं तो वो चलेंगे, अगर वो नहीं है तो वो नहीं चलेंगे। आपके सबसे बड़े मुल्क के सुपरस्टार जो हैं वो नेपोटिज्म से नहीं आए। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हुमायूं सईद बहुत बड़े अदाकार हैं आपके मुल्क के, वो नेपोटिज्म से नहीं आए। काफ़ी लोग हैं, माहिरा खान मतलब फवाद खान हो गए, मतलब ये तो वही है कि अगर आप अच्छे हैं, आप अपना जो भी आपका प्रोफेशन है, चाहे वो आप सिंगर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, अगर आप अपना काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो फिर आप चलेंगे, अदरवाइज। अच्छा, इसमें ऐसा भी उस्मान भाई कि जो फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्टर है बड़ा और उसका बच्चा है, उसने बचपन से अपने घर में ये माहौल देखा होगा तो वो ज्यादा कंफर्टेबल ऑटोमेटिकली, हाँ जी, फील करेगा। और अगर अच्छा एक्टर नहीं होगा तो ये लोग नहीं देखेंगे, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद असीफ। असीफ भाई क्या करते हैं आप? सर मैंने रिसेंटली 1 ईयर पहले इंटरव्यू कम्प्लीट किया, अगली यूनिवर्सिटी जाने का इरादा है। रिसेंटली 1 ईयर पहले जी? वेरी नाइस, बहुत रिसेंटली कर लिया, थैंक यू सर। तो इस पूरे रिसेंटली 1 ईयर पहले जो है, आप 1 ईयर से क्या कर रहे हैं? सर फादर के साथ अपना बिजनेस है, स्विंग मशीन का। वेरी नाइस जी सर। सवाल सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपकी फैमिली, आपकी जो करियर, आप जिस करियर पे आप चल रहे हैं ये एक्टिंग का, तो आपकी फैमिली इसके खिलाफ थी, तो आपने इनको कैसे कन्विंस किया, कैसे मनाया? मैं कन्विंस नहीं कर सका, मैं बड़ा काफ़ी अरसा मेरी फैमिली के साथ इस बात पर बहुत वो होती थी, बहस होती थी कि ये नहीं करना, लॉ कर लो या क्या कहते हैं MBA कर लो या कोई पढ़ाई कर लो, मतलब ज़्यादा प्रॉपर डिग्री कर लो। ओके। तो बस वो मुझे शौक था इस चीज़ का, मैंने बड़ी कोशिश की, फिर उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने देखना शुरू किया कि अब वो आ रहा है TV पे और मशहूर भी हो रहा है, तो फिर और जब ख़ास तौर पे घर वाल मतलब रिश्तेदार या दोस्त कहते थे कि अच्छा उससे मिलना है या कुछ, फिर वो खुद ही ठीक हो गया आई गेस। अरे वाह। हाँ, खोलो भाई इनका माइक। अच्छा सर मेरा आपसे ये भी क्वेश्चन है कि अगर मैं फ्यूचर में कुछ करना चाहूँ, अगर मेरे वालिदैन राजी ना हो, तो मैं उनको कैसे कन्वेंस करूँ, कैसे मनाऊँ? कोशिश करो कि उनकी मर्जी से करो, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो अगर आपको पैशन है कोई किसी भी चीज़ का करने का, अगर आप मतलब जो भी क्रिकेटर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, तो फिर जब आप अपनी मेहनत करोगे तो वो खुद ब खुद ही वो देख लेंगे कि इसका असीफ करना क्या चाहते हो तुम? फ्यूचर में माइंड कुछ भी बन सकता है बेटा, किसी और का ना बन जाए। नहीं सर बनता है। ठीक है, वेरी गुड। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, सब लग रहे हैं। आप स्विंग मशीन का काम है ना आपका? सर मेरे फादर का है। फादर, जाहिर बात है उनके साथ ही हेल्प आउट करवाता हूं। तो ये जो इतना बड़ा कपड़ा आपने बगैर सीए पहना हुआ है सर, ये बस आपकी मोहब्बत में पहन के है। मेरी मोहब्बत में चादर क्यों लपेट ली सर? वैसे ही गुड लुकिंग दिखने के लिए। मेरी मोहब्बत हाँ, ताऊज भाई से मैं बहुत प्यार करता हूँ, चादर लपेट लेता हूँ सर। अगर नहीं पसंद आ रही तार देता हूँ। नहीं नहीं, चादर तो पसंद आ रही है, कुर्ता पसंद नहीं आ रहा। वेरी वेरी सर। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सबीहा कासिम। सबीहा क्या करती हैं आप? मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। अरे वाह भाई वाह, डिजिटल मार्केटर हैं आप, तो सवाल पूछेंगी? हाँ जी, करें ना। मेरा सर से सवाल है कि सर आप रहते इस्लामाबाद में हैं लेकिन काम आप कराची में करते हैं, तो दोनों सिटीज़ के कल्चर्स में क्या डिफरेंस है? दोनों सिटीज़ के कल्चर्स में ये डिफरेंस है कि कराची थोड़ा मेट्रोपॉलिटन है शहर, वहाँ पे काफ़ी बिजी रहता है कराची, इस्लामाबाद थोड़ा सा सुस्त है मुझे लगता है। तो आप कराची क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते?
मैं अपनी वालदा की वजह से, मेरी वालदा इस्लामाबाद में, उनको मैं कराची नहीं लेके जा सकता, तो मुझसे मुझे लगता है कि मुझे इस्लामाबाद में ही रहना चाहिए. और कराची वैसे भी थोड़ा सा बिजी है मेरे लिए, मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है. इस्लामाबाद में आप कह रहे हैं कि सुस्ती है थोड़ी सी, मतलब हमें नहीं लगती, लेकिन मैंने इसलिए बोला क्योंकि काफ़ी लोग जो कराची से या लाहौर से आते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये तो पूरे मुल्क की शिकायत है कि इस्लामाबाद में कोई काम नहीं हो रहा. हाँ, जो हो रहा होता तो मुल्क बेहतर होता. बिल्कुल. जो कुछ हो भी रहा है वो मैक्सिमम पिंडी में हो रहा है, कम ही हो रहा है. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है पार्टनर? अहमद. अहमद क्या करते हैं? डिजिटल मार्केटर. डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं. सवाल पूछें. सवाल आपके लिए. ले आओ. सवाल ये है कि सारी दुनिया को आपने शो पे बुला लिया है, पर हमारी बाबी कब आ रही हैं? अरे मैंने उनसे ना पैक्ट साइन किया, पहले वो किसी और शो में जाएंगे, जब वो वहाँ पे मैं उनकी परफॉर्मेंस देख लूँगा फिर यहाँ आएंगे. मैं नहीं करता कि अपनी बेगम में तो बुला लिया ऐसे. नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं. वो खुद ही नहीं आना चाह रही वैसे. चलो भाई लाओ उससे बात लो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है पार्टनर? हसनैन. हसनैन क्या करते हो तुम? एनवायरमेंटल साइंसेस. वेरी गुड. फी क्या सुने को टैलेंट रखते हैं अपने अंदर आप? जी सर, मैं म्यूजिक आर्टिस्ट भी हूँ. अरे माशाल्लाह, बजाते हैं, गाते हैं? सर वोकलिस्ट हूँ. वोकलिस्ट है तो कुछ सुना दें दो चार लाइन. जी सर. सर आपको डेडिकेट कर रहा हूँ. करो मुझे करो. साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जात, बसो हमारी मोहे सुंदर मुख दिखला जा, मोहे सुंदर मुख दिखला दिखला जा. ओ कदिया मिल सांवल यार वे, कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, कदिया 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 मिल सांवल यार. मूवी आने लगी है उम्र अय्यार. जी उम्र अय्यार हमारे एक पॉप कल्चर की स्टोरी है, एक जादूगर है, चोरी चकारी के लिए मशहूर था. क्या ये कोई डिफरेंट उम्र अय्यार है या वैसा ही है? सिर्फ मतलब उसकी जो कैरेक्टर है वही है, लेकिन उसको अडेप्ट थोड़ा डिफरेंटली किया है फिल्म के लिए, क्योंकि अब वक्त बदल गया है. वो एक बहुत पुरानी स्टोरी है, दास्तान अमीर हमजा से वो, लेकिन अब ये थोड़ा अडेप्ट किया गया है आजकल के टाइम के मुताबिक. ठीक है. और काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत डिफरेंटली. आप मैंने ट्रेलर देखा, एक्शन लग रही है काफ़ी, एक्शन पैक मूवी लग रही है. मेरे ख्याल से मौला जट के बाद दूसरी ऐसी है जिसमें एक्शन इस कदर अच्छा दिखाया गया है. तो ये एक्शन के जो आपके खुद के स्टंट हैं, या आप खुद कर रहे थे या करवा रहे थे स्टंट डबल से? एक शॉट पूरी फिल्म में ऐसा है जो मैंने नहीं किया, वो बिकॉज वो एंड टाइम पे डिसाइड हुआ, और उसके लिए आपको अपेरेंटली थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए होती है. अदरवाइज वो आप दो वायर से कनेक्टेड होते हैं और वो आपको रोल करते हैं, तो अगर आप सही तरह ना करें तो यू कैन डिसलोकेट योर आर्म. ओके. तो उसके लिए हमारे जो स्टंट डबल थे, कोऑर्डिनेटर थे, जड नाम था उनका. अरे वाह. उन्होंने वो किया. या, जी. अच्छा भाई, वक्त आ चुका है उस्मान भाई कि आपके साथ एक गेम खेला जाए. गेम का नाम है बचाओ. बचाओ में कोई आपके दिल के करीब शख्सियत जो एक छोटी सी मुसीबत में होंगी, आपने एक मिनट में तीन सवालों के जवाब देने. अगर आपने दे दिए वो शख्स बच जाएगा, और अगर नहीं दिए तो वो मजीद मुसीबत में फंस जाएगा. ठीक है. मुसीबत सबसे बड़ी ये लोग हैं, क्योंकि जब टाइम करीब आता है ना, 15 सेकंड रह जाए, तो इतना शोर करते हैं कि आखिरी सवाल का जवाब ही नहीं देने देते. बिल्कुल ठीक. मगर आपने फोकस रखा, कोशिश पूरी. ठीक है. अरे अब मार पड़ेगी मुझे. भाभी है, बचाना ही पड़ेगा. बिल्कुल ठीक है. चले भाई,
या तो इतना अच्छा खेलिएगा बच जाए, या भरपूर तरीके से बुरा खेलिएगा ताकि कुछ जवाब ना देना पड़े और ताकि फिर वापस घर भी ना जाना पड़े। चलें भाई, जुनैरा को बचाएंगे आज उस्मान मुख्तार। पहला सवाल, हाथ पर पहने जाने वाली पांच चीजों के नाम बताइए। चूड़ियां, घड़ी, कड़े, ब्रेसलेट और रबर बैंड। रबर, बहुत अच्छा भाई, स्टॉप, शुक्र है। अगला सवाल, दुनिया के कोई भी पांच कैपिटल्स के नाम बताइए। इस्तांबुल नहीं है, नहीं है इस्तांबुल नहीं। अच्छा, इस्लामाबाद। हाँ ये है। लंदन, लंदन कैपिटल, बिल्कुल। वाओ, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। उसके अलावा और मुल्क दुनिया में, दिल्ली, दिल्ली कैपिटल, बिल्कुल। और एक रह गया, उसके अलावा ढाका, ढाका, ढाका कैपिटल होगा। स्टॉप, वाह वाह, साउथ ईस्ट एशिया में निपटा दिया आपने। बस मैंने कहा कि बहुत अच्छे। आखिरी सवाल, मैं आपको एक डायलॉग बताऊंगा, आपने ये पांच मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस में अदा करना है, ठीक है। डायलॉग है, मुझे खट्टे आलू खाने हैं तो खाने हैं, मुझे खट्टे आलू खाने हैं तो खाने हैं, ठीक है। पहला एक्सप्रेशन है गम, मुझे खट्टे आलू खाने हैं तो खाने, वेरी गुड। हंसते हुए, मुझे खट्टे आलू खाने हैं तो खाने। वाह। गुस्से में, मुझे खट्टे आलू खाने हैं तो खाने। वाह, रोमांस, रोमांस। आप रोमांस करके दिखा दो, मैं दोबारा वापस ले आएंगे नहीं हम। मुझे खट्टे आलू खाने हैं तो खाने, ये रोमांस। सामने आप बैठे हैं, मैं क्या आप तीन हजरात, मुझे ब्रेक लेना है तो लेना है, ब्रेक नहीं जवाब चाहिए। कुछ लोग झुक के लगाते हैं, कुछ लोग बैठ के लगाते हैं। बैठ के लगा, बैठ जाओ। अच्छा, हाँ। बैठ के लगाते हैं, हाँ। बल्कि मैं लगाना भी कह रहा हूं, ये फेरने की भी चीज है, वो फेरते हैं। वेलकम बैक टू आस्का मनाए, मैं बात कर रहा हूँ उस्मान मुख्तार से। उस्मान भाई, आपकी नजरें थोड़ी देर के लिए बंद कर दी जाएं। गेम का नाम है नजर बंद। इसमें ये ब्लाइंड फोल्ड आप खुद ही अपने हाथ से पहनेंगे। यहाँ एक तस्वीर नजर आएगी, किसी जगह, चीज, जानवर या कोई वो शख्सियत भी हो सकती है, ठीक है। तो आपने सवाल पूछने हैं मुझसे, सवाल पूछेंगे, मैं हिंट्स भी दूंगा। तो आपने सवाल पूछ के फिर गेस करना है कि ये क्या है। आप लोग कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, बस मैं हिंट्स दूंगा। बहुत अच्छे लग रहे हैं उस्मान भाई, थैंक यू वेरी मच। दिखाओ बेटा, वाह वाह। उस्मान भाई, तस्वीर आ चुकी, शख्सियत है। अक्सर शख्सियत इस जैसी होती है, मगर ये शख्सियत नहीं है। जगह है? जगह भी नहीं है, जगह जगह है, ये जगह है, ये जगह नहीं है, मगर ये चीज जगह जगह है। खाने की चीज है? मैंने तीन चार बार खाई है, लेकिन बेसिकली खाई है मैंने। अम्मियाँ कभी कभी जबरदस्ती खिलाती हैं, बेटा खाओ। सर चप्पल तो नहीं है? चप्पल नहीं, चप्पल नहीं, लेकिन ये एक खाने की चीज नहीं है, लगाने की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये खाने की चीज नहीं है, ये लगाने की चीज है। सर जूती? जूती नहीं, जूती लगाने की कहाँ होती है, पहनने की होती है सर, लेकिन पड़ती भी बहुत है। हाँ, वो उसका ऑल्टरनेट। जूती नहीं है, जूती। अच्छा, जूती नहीं है, नहीं नहीं, ये लगाने की है, परफ्यूम? लगाने की, परफ्यूम है? परफ्यूम है? परफ्यूम नहीं, परफ्यूम अम्मी कहाँ खिलाती है। अच्छा, फिर लगाने के लिए तो फिर मतलब मेकअप? मेकअप नहीं है, अक्सर चले इसको लगाते हुए झुकना पड़ता है। झुकना पड़ता है? झुक के लगाते हैं, झुक के लगाते हैं। कुछ लोग झुक के लगाते हैं, कुछ लोग बैठ के लगाते हैं। बैठ के लगाते, बैठ जाओ। अच्छा, हाँ। बैठ के लगाते हैं, हाँ। बल्कि मैं लगाना भी कह रहा हूँ, ये फेरने की भी चीज है, वो फेरते हैं। फेरने की चीज, फेरने की, अक्सर फेरी जाती है, फेरी जाती है। अच्छा, इसका इस्तेमाल हो रहा हो तो लोग कहते हैं यार पंखा बंद कर दो।
सर ये तो मुझे कोई वो लग रहा है कोई हाँ सिगरेट नहीं सिगरेट पंखा बंद करके कौन सिगरेट सिगरेट नहीं अरे भाई कौन सी अम्मी सिगरेटें पिलाती है बेटा सिगरेट मैंने आपको हिंट साहब मेरे को आपने बोला था कि कभी कभी अम्मी जबरदस्ती खिला देती है खाने की चीज नहीं है ठीक है ये लगाने की तो है मगर साथ में फेरने की अक्सर लोग कहते हैं कोई कहता है लगा दो कोई कहता है फेर दो ये कभी झुक के सिगरेट कौन झुक के लगा रहा है भाई खड़े खड़े भी लगा लेते अच्छा अम्मियाँ और पंखा बंद करना पड़ता है इसके यस सर पता नहीं क्या चीज़ है अच्छा अक्सर ना ये लगाने वाले उस वक्त आते हैं जब आप लड़के खास तौर पे जो घर के ये बेकार मर्द होते हैं ये जब पड़े सो रहे होते हैं ना तब इसके लगाने का टाइम आता है अम्मी कहती हैं इसको अम्मी अक्सर कहती हैं इसको ऐसी ऐसी जगहों पर लगवाती हैं जहाँ पे हाथ नहीं पहुँच सकता सर कोई मतलब सियासतदानों ने खजाने में फेरी हुई है हाथ हाथ अरे अच्छा चलें ठीक है मैं एक और हिंट देता हूँ आपको जी मैं आपको बेहतरीन हिंट दे रहा हूँ हे अल्लाह क्या हिंट दूँ अच्छा अगर यहाँ गंदगी हो सेट पे मैं कैसे साफ करूँगा झाड़ू से यस सर लेकिन हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है आप किसी हिंट पे आप एतराज है तो बताएं कोई भी नहीं बिल्कुल अगला दिखाओ बेटा आ हा 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 ओए होए 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 ये नहीं आना ये नहीं आना चाहिए था हाँ खैर अच्छा ये चीज है शख्सियत है चीज है हाँ पहनने की चीज है खाने की चीज है नहीं पकड़ने की चीज है पकड़ने की चीज पहले पहनते हैं फिर पकड़ते हैं अच्छा और ये किसी खास मकसद के लिए बहुत खास मकसद ये क्या आप हर रोज हर रोज के मामला कुछ लोग हर रोज इस्तेमाल करते होंगे हम लोग हर रोज आम आदमी हर रोज इस्तेमाल नहीं करता अच्छा हर रोज करेंगे हम लोग तो मतलब हम कर नहीं पाएंगे अच्छा ठीक है इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत जी 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 बंदूक बंदूक नहीं उसकी बंदूक तो हम लोग हर रोज इस्तेमाल करते अच्छा इतना तो रोज अच्छा ये इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है हाँ और ये पहन के फिर पकड़ते हैं पहन के फिर पकड़ लेते अच्छा लेकिन ऐसे नहीं पकड़ते जिस तरह आपने अभी पकड़े अच्छा ठीक है ये किसी स्पोर्ट्स में यूज स्पोर्ट्स में नहीं स्पोर्ट्स में नहीं स्पोर्ट्स में नहीं 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 बिल्कुल भी अच्छा तो चुन के कोई ऐसी चीज आपने चुन के जो है मतलब है ये अच्छा इसको पकड़ के इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं उनको हल्का हल्का हिलाते हैं तो बात बनती अच्छा हाँ ओ डफली डफली नहीं डफली नहीं डफली ये कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है पहुंच रहे हैं आप पहुंच रहे हैं अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ऐसे सर ये जो वो जिसको इस तरह हिलाते हैं तो बचता है इस तरह हिलाते हैं तो अक्सर लड़के एक जमाना था कि लड़के ये इसलिए करते थे कि खवातीन इंप्रेस हो जाए हिलाते थे और वो बजना शुरू कर देती चीज जी जी अक्सर अक्सर बजने वाली चीजें हिलकर बजती सर ये शायद मुझे इस इंस्ट्रूमेंट का नाम ना पता हो नहीं नहीं बिल्कुल पता है आपको ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम सबसे पहले पता होता है गिटार गिटार मैंने सुना है स्केचिंग में थोड़ा हाथ चला लेते हैं सर नहीं उसमें भी बुरा हूँ लेकिन कोई बात नहीं मेरे से बुरे नहीं हो सकते जी जी मैं बहुत बुरा हूँ आप देख सकते हैं सबूत आज देखेंगे ये वो एक स्केच बुक है जिसमें बड़े बड़े पाकिस्तान के आर्टिस्टों की बनाई हुई तस्वीरें आप देख लें आपको तसल्ली हो जाएगी कैसा आर्टिस्ट है यहाँ पाकिस्तान होगा ये कि उस्मान भाई ये एक मार्कर है कि आप पकड़ें यहाँ स्केच आएंगे और जैसे ही स्केच आएगा ये पांच तक गिनेंगे स्केच गायब हो जाएगा ठीक है फिर हमारे पास 30 सेकंड्स होंगे टू रिक्रिएट दैट स्केच ठीक है हम में से जो बेहतरीन बनाएगा वो जीत जाएगा ठीक है चलें भाई मेरा एस्ट्रोनॉट थोड़ा फट गया है हवा में ब्लास्ट हो चुका है वो मेरे को लगता है कि वो एस्ट्रोनॉट नहीं वो डांस कर रहा है सर मेरा जो कुछ कर रहा है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है
आप दिखाएं सबसे पहले पेट के पास सारे आर्टिस्ट राजरान को मेरी तरफ से सॉरी भाईजान एटलीस्ट ये एस्ट्रोनॉट लग रहा है आप मेरा देखोगे आप बोलोगे क्या है ये एयर प्रेशर जो कि हवा में है ही नहीं स्पेस में उसकी वजह से फट गया ये एब्स्ट्रैक्ट है एब्स्ट्रैक्ट हाँ दिखाओ बेटा अगला पूछो ना मैं एज इट इज अच्छा बना दूं ये ये तो मेरी भी बहुत बुरी बनी है एटलीस्ट वो है। लड़की लग रही है लगता है मायरा को गुस्सा आया गुस्सा मेरे में मायरा पे बुरा वक्त आया मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज भाई जिनको लगता है उस्मान की स्केचिंग मुझसे अच्छी हो तालियां बजाएं और जिनको लगता है मेरी स्केचिंग इनसे बुरी है वो तालियां बजाएं मैं चेक कर दे इक्वल तालियां हैं कि नहीं और देर आधा वक्त छोड़ दे ब्रेक कर लीजिए वापस आइए हमारा कहीं नहीं जाएगा ताली बजाओ बड़ा तुम सिर्फ तड़प रहे हो बहुत आला हो नहीं रहा तुमसे अब वेलकम बैक टू असलम बनाए मैं बात कर रहा हूँ उस्मान मुख्तार से उस्मान भाई ऐसा है क्योंकि आप एक्शन फिल्म करने वाले हैं तो मैंने भी एक्शन हीरोज की तैयारी शुरू कर दी है बिल्कुल सही ये हमारे माशरे के सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चे क्या बात ठीक है इनके दरमियान होगा अवामी मुकाबला अरे ये हमारे सामने लगाएंगे पुशअप्स मगर पुशअप के अंदर जो है वो एक वो है ट्विस्ट है एक तो ये पुशअप ये वाली लगाएंगे एक इधर जाएंगे एंगल पे एक बड़ा ऑरेंज शर्ट भाई आप सैंपल दो अरे क्या बात ये करेंगे ठीक है बस हो गया बेटा आ जाओ थको नहीं तीन तीन लड़के करके आएंगे और मुकाबला करेंगे 30 सेकंड में जो सबसे ज्यादा लगाएगा वो उस राउंड का विनर होगा फिर आखिर में फाइनलिस्ट होंगे आ जाओ ये तीन लड़के आ जाए वाह 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 बिल्कुल ठीक लगाना ये नहीं इधर उधर जाओ ठीक है चलो भाई काउंट डाउन शुरू करो 30 सेकंड्स का नाउ चलो ये बहुत अच्छी कर रहे हैं यहाँ ये बहुत चुस्त भी है जो आखिर तक खड़ा रहा तुम सिर्फ तड़प रहे हो बहुत आला हो नहीं रहा तुमसे अब चलो भाई 30 सेकंड्स पूरे हो गए खड़े जो इनमें सबसे अच्छी आपने लगाई बेटा सबसे ज्यादा भी आपने लगाई आप यहाँ खड़े रहोगे आपने बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा हिले तुम तो बड़ा तड़प रहे थे बहुत अच्छा किया फर्स्ट टाइम तो हम लोग रोज क्या मारा तुम दोनों जा सकते हो आप यहाँ खड़े रहेंगे बाकी के तीन लड़के आ जाए ये है मुकाबला सही आप दोनों भी आ जाओ आप साथ ही लगा लो क्योंकि ऑड नंबर है 30 सेकेंड्स का काउंटर मैं आगे से देखना चाहता हूँ लड़कों को चलो भाई लास्ट स्टैंडिंग को म्यूजिक चला दो अच्छा सा 1, 2, 3 स्टार्ट भाईजान आप ऐसा लग रहा है कि मोहल्ले में कभी इस दरवाजे पे जा रहे हो कभी इस दरवाजे पे यहां से पत्ती वहां से दूध ये अच्छी कर रहे बहुत बट आप पूछ लो ना डायरेक्ट We'll be right back.
भाई बाजरा नहीं खाना, बाजरा नहीं खाना। चलो सीधा निकल जाओ, सीधा। आप भी ये चलता रहे, आप भी बेटा इधर उधर होना है, यूं यूं होना। चेन का वजन ज्यादा है तुम्हारी, पता है हिल ही नहीं रहे तुम। हो गया जा भाईजान, आप खड़े हो, आप खड़े हो। वेरी वेल डन। अब इस लड़के से मुकाबला करना है। ट्विस्ट ये है कि सिर्फ उंगलियों पे पुशअप लगानी है, इन तीन उंगलियों पे, ठीक है? वाह 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 भाई, उंगलियां तीन ही लगनी चाहिए मार्केट में, वहीं उंगलियां छोटी हैं, तुम एक एक्स्ट्रा लगा लो। उंगली है ही नहीं, उंगली तो, हाँ सॉरी। अब क्या होगा, कर लोगे? मसला तो नहीं होगा। चलो भाई वन हैंड कर लोगे, एक हाथ से नहीं, लगाओ तीन उंगलियों से लगाओ बेटा, उंगलियां चेक कर लो बस। चलो भाई वन टू थ्री स्टार्ट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन। तो खत्म ही नहीं हो रहे लड़के, वो सांप बन चुका है। वेरी नाइस, वेल डन बडी, वेल अप। ये लो भाई, जितनी सांस कमजोरी हो चुकी है इसको खा के तुम बनाना। वेरी वेल डन। नाम क्या है? फाखिर। वेरी वेल डन, शाबाश भाई, बहुत अच्छा है यार। वेरी वेल डन उस्मान भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाया, बहुत मजा आया। उम्मीद करते हैं आपको इसी तरह कामयाबियां मिलती रहें और आप इसी तरह हमारे शोज पे दोबारा भी आते रहें, और आपकी वालदा की तबीयत भी जल्द अल्लाह करे ठीक हो जाए। जाने से पहले उस्मान भाई करता हूँ मैं कमाल की बात, आज ही कमाल की बात स्टार्ट होगी एक तस्वीर से, वो ये रही। क्या खूबसूरत शॉट है ये, और ये शॉट ऐसे एक दिन में नहीं लिया गया, इस शॉट को लेने में एलन मैकफेरिन को 6 साल लग गए। उन्होंने 7,20,000 तस्वीरें उतारी, 7,20,000 तस्वीरें उतारने के अलावा वो इस जगह एग्जैक्ट इस मुकाम पर हर साल 100 बार गए, तब जाकर ये तस्वीर मिली। तो ख्वातीनों आज़ाद परफेक्शन और डेडिकेशन जो है वो कोई एक दिन में साबित नहीं होती, उसको अचीव करने के लिए आपको बार 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 एक चीज़ ट्राई करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर आप दुनिया की बेस्ट बेहतरीन बेटर चीज़ें बनाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। 12 बजे क्या करते हैं उस्मान भाई आप रात के? हो जाते हैं सर, हो जाते हैं आप उस्मान भाई, बिल्कुल इस्लामाबादी हो चुके हैं। तो किया करें, उठ के चीखना शुरू कर दिया करें। हाँ जी बिल्कुल, अगली दफा। हाँ प्लीज, ख्वातीन और हज़रात आप जो कुछ कर रहे हैं वो बंद कीजिए, सोइए, सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।